आप लोगों को मुझे तो देख के बहुत भूख लग रही होगी, तो आप लोग जरूर आए यहाँ टेस्ट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज हम आए हैं सलीम सेंटर नियर रौनक शीरीन। अच्छा, जहाँ मैं आज खड़ी हुई हूँ ये कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक छोटा सा कार्ट है, स्टॉल कह ले। अच्छा, इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से सेटअप किया है, एक रिक्शे पे सेटअप किया है, बड़ा अमेजिंग सा है, एक रिक्शे पे सेटअप किया। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ सलीम सेंटर की, वहाँ मैं आई थी, उन लोगों ने भी एक रिक्शे पे सेटअप किया था, चाइनीज़ का सेटअप था, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने सेटअप किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। अच्छा, इन लोगों ने ये जो सेटअप किया है इस पर पिज़्ज़ा अवेलेबल है, पिज़्ज़ा मिलते हैं। चले जानते हैं इनके ओनर से कि इन लोगों को कितना टाइम हो चुका है ये सेटअप स्टार्ट किए हुए, और पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, कौन सा फ्लेवर अवेलेबल है इनके पास। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा की अब मेकिंग होगी। मैं आपको बना के खिला रहा हूँ सिराचा। ओके, सही है। ये आपका मतलब मोस्ट डिमांडिंग फ्लेवर है कि क्या है? ये मेरे पास स्पाइसी में जो है वो ज्यादातर मेरे को चलने वाला सराचा है, और नॉन स्पाइसी में नॉर्मल स्पाइसी में मेरे पास ज्यादा चलता है मलाई। ओके, सही है। ठीक है, 280 ग्राम का हमारे पास पेड़ा है, 287। जैसे पब्लिक है वो ज्यादातर कौन सा मतलब फ्लेवर पसंद करती है? सिराचा ज्यादातर लोग आते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं नॉर्मल स्पाइसी के साथ। अच्छा, नॉर्मल स्पाइसी साइज। और सबसे ज्यादा जो मेरे पास आते हैं वो नॉर्मल स्पाइसी पे आते हैं, और जो ज्यादा स्पाइसी के आते हैं वो मेरे पास से थोड़ी स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद है। हाँ, पाकिस्तानियों को ज्यादातर स्पाइसी पसंद है। आप लोगों की टाइमिंग्स क्या है वैसे? ठीक है, हमारी बेसिकली वैसे कि हमारे आम दिनों की जो टाइमिंग है हमारी, हाँ? टाइमिंग है हमारी 7 से रात 1। 7 से रात 1, और रमजान में? और रमजान में भी हमने टाइमिंग 20 के लिए अपनी वो हम इफ्तार से पहले लगा रहे हैं, हमारा 6 बजे ऑन हो जाता है। ओके, से हम रात 3 बजे तक या फर्स्ट टाइम आ रही है। जी जी, हमारे पास पहले ये ग्रिल नहीं थी। ओके, हमने ये ग्रिल लॉन्च की है। सही, आप इसका टेस्ट करिएगा बताइएगा। जी, ये अब मैं डालूं आपको सिराचा सॉस। तो ये आप ये होममेड सॉस है? जी, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब मेरे पास होममेड है। अब तक ये चिकन भी हो गई और सॉस भी हो गई, ये सब मैं खुद बनाता हूँ। मतलब आपके घर में कोई शेफ है? जी जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप शेफ है कि मौतान भाई? बेसिकली शेफ हम दोनों ही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो अदनान का थोड़ा मुझसे ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि वो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में काम कर चुका है और मैंने बहुत कम ही रेस्टोरेंट्स में काम किया है। अनियन डालेंगे इसमें, ये हमारी जाएगी ग्रीन पेपर। अच्छा, आप हमारे कस्टमर को भी एक एड्रेस एक बार गाइड करते, मैंने तो समझा दिया है, आप भी गाइड करते कि कहाँ पे मतलब अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये जो हमारी जो हमारा पिज्जा कार्ड लगा हुआ है, ये पिज्जा कार्ड हमारा है मेन सलीम सेंटर रौनक शीरीन के बराबर में। देखिए, सलीम सेंटर के 2 रूट पड़ते हैं, एक ये रूट पड़ता है, एक सामने वाला पड़ता है, लेकिन मैं बज़ाहिर नुमाया कर दूं कि हमारा सलीम सेंटर रौनक शीरीन के बराबर। रौनक शीरीन बेकरी है, क्योंकि सलीम सेंटर जो है वो 2 ब्रिज के बीच में आ जाता है। सही। अब ये हम डालेंगे इसमें सिराचा की चिकन, ये तमाम फ्लेवर्स चिकन के जो मेरे हमारे पास अपने होममेड रेडी। मतलब डिफरेंट फ्लेवर होते हैं चिकन? जी जी, लेकिन बेसिकली पिज्जा में जो टेस्ट होता है वो ज्यादातर चिकन का ही होता है। सही।
हमने अभी तक कोई बीफ इंट्रोड्यूस नहीं किया। नहीं, अभी बीफ इंक्लूड हमने कोई भी नहीं किया इंट्रोड्यूस। इंशाल्लाह हमारे पास सुपर सुप्रीम आएगा, इंशाल्लाह ईद के बाद से हम लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारे पास ये तमाम चिकन के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। देखिए पिज्जा दो चीजें तो बेसिक है पिज्जा की, एक पिज्जा सॉस और एक चीज, इनके बगैर पिज्जा कंप्लीट नहीं है। पर डिलीवरी भी अवेलेबल है जो हम ऑल ओवर कराची में डिलीवर कर रहे हैं। हम गुलशन, नाजमाबाद और लियाकताबाद, इन सब में सरजानी टाउन में हम लोग, हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। अच्छा, ये जो आप लोग ओवन को सेटअप है किससे बनाया, मतलब लाइक ये आपको अलावा क्या है? देखिए इसमें जो है बेसिकली जो है वो गैस है, ये एलपीजी पे चलता है, और इसके अलावा जो है इसको टेस्ट के लिए, टेस्ट डेवलप के लिए हमने इसमें वुड भी इंक्लूड करा है कि वुड भी इसमें जाए। हाफ डन हो गया हमारा, हाफ डन पे हम लगाएंगे इसके ऑयल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा हाफ डन रेडी हो चुका है। अब इसमें जी इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है हमारे ओवन में, सिर्फ 3 मिनट में, 3 मिनट सिर्फ 3 मिनट में हमारा पिज्जा रेडी हो जाता है। जी बिल्कुल, रेडी हो जाता है। तो 3 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारा पिज्जा अब आपको दिखा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम करेंगे इसे कट, ये हमारा पिज्जा हो चुका है कट। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा आ चुका है, ये सिराचा फ्लेवर है, इन लोगों का मोस्ट डिमांडिंग और स्पेशल फ्लेवर है। तो चले ट्राई करते हैं कि कैसा है, दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लग रहा है, आप टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये देख सकते हैं ये चिकन है, फुल ऑफ चीज है, शिमला मिर्च है, अमूमन जो पिज्जा में होना चाहिए वो सारी चीजें है। टेस्ट अच्छा है, वाकई अच्छा है, 460 के अंदर ये बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ जरूर आए, विजिट करें, जो के पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आउटडोर अवेलेबल है, इंडोर अवेलेबल नहीं है। जो पिज्जा हो गया हम लोग ज्यादातर रेस्टोरेंट में ही ट्राई करते हैं, स्ट्रीट पे ट्राई नहीं करते, तो आप जरूर आइएगा स्ट्रीट पे ट्राई करिएगा। मुझे पता है आप लोगों को मुझे लेके बहुत भूख लग रही होगी, तो आप लोग जरूर आए यहाँ टेस्ट करें। मैं अपना पिज्जा इंजॉय करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।